गुरुग्राम पुलिस ने 13 दिसंबर को न्यू कॉलोनी इलाके में स्थिति नामी व्यवसायी हरीश बेकरी पर गोली चलाने एवं 50 लाख की रंगदारी मांगने वाले गैंगस्टर अशोक राठी के 3 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो शूटर्स ने अशोक राठी गैंगस्टर अनिल कुकड़ोला धीरज नखलोला के कहने पर हरीश बेकरी के कैशियर को एक चिट दी, जिसमें 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की और कैशियर पर हत्या करने की नीयत से गोली चलाने की वारदात को अंजाम दिया था। बहरहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को रिमांड पर ले मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में डीसीपी क्राइम की माने तो तीनों गिरफ्तार शूटर्स अपने अकाओं के कहने पर रंगदारी, हत्या एवं अन्य वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस पूछताछ में इस शूटर्स ने पुलिस सामने इस अन्य वारदात का भी खुलासा किया, जिसमें पुलिस की माने तो अशोक राठी गैंग की एक ही बदमाश अनिल ककड़ोला को कहने पर 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग के लिए गोली चलाने धौलपुर राजस्थान जा रहे थे, किंतु आगरा हाईवे पर मोटरसाइकिल खराब हो जाने पर दो मोटरसाइकिल सवार युवकों से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की, किंतु उनके एतराज करने पर उन पर गोलियां चला दी, जिसमें एक युवक की उसी समय मौत हो गई व एक युवक घायल हो गया। इस वारदात के संबंध में थाना मालपुरा जिला आगरा यूपी में मामला दर्ज है। गिरफ्तार आरोपियों से 2 पिस्तौल व 1 देसी कट्टा व 6 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। हरीश बेकरी नामक एक व्यापारिक प्रतिष्ठान के ऊपर एक बदमाश ने कैशियर के ऊपर गोली चलाई थी और गोली चलाने के उपरांत वहां पे एक पर्ची फेंक के भाग गया था, जिसमें उसने 50 लाख रुपए रंगदारी की डिमांड एक गैंगस्टर जिसका नाम अशोक राठी है उसके नाम से हरीश बेकरी के मालिक से की थी, जिसके ऊपर पुलिस ने तुरंत मौका पर पहुँच पे घटनास्थल का जायजा लिया था और वहाँ पर इस केस को तुरंत क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था। क्राइम ब्रांच की सेक्टर 39 स्थित यूनिट, जिसके इंचार्ज सब इंस्पेक्टर राजकुमार हैं, उन्होंने अपनी टीम के साथ इस सारे केस के ऊपर काम करते हुए सबसे पहले अशोक राठी गैंगस्टर, जो कि इस वक्त जेल में बंद है और घटना के वक्त भी जेल में बंद था, उसको प्रोडक्शन वारंट पे लिया और पूछताछ करके जो जो लोग इसमें संभावित आगे हो सकते हैं उनके सभी के नाम फाइल पर लाए। जो सब मुख्य आरोपी था, जो हमें पता लगा कि इस सारे घटनाक्रम में जो मेन हैंडलर जिसको जेल से आदेश मिला था वो सुंदर एलिया सुरेंद्र है, जो कि हसलापुर इस्लामपुर गांव गुड़गांव का ही रहने वाला है। उसने अपने जो गैंगस्टर साथी जो जेल में बंद हैं, जिनके मुख्यतः नाम अशोक राठी और दूसरा जो उसका मेन साथी है उसका नाम है अनिल, जो कि ककरोला गांव गुड़गांव का रहने वाला है, इसके कहने पे यह रंगदारी की डिमांड की थी और भय का माहौल पैदा करने के हिसाब से उसने वहाँ पर गोली चलवाई थी, जिस गोली से जो कैशियर है वो घायल हो गया था।